बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित फारूकगंज मोहल्ले में बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आजमी बारी के भाई फहमी बारी को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके साथ एक शख्स और जख्मी है। बताया जा रहा है कि घायल जुमा की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार अपराधियों ने तबाहतोड़ फायरिंग कर दी। घायल फहमी बारी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर संजय यादव ने अपने करीब 15 साथियों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है गया की है, यहाँ पे जमीनी विवाद में जो है कुछ लोगों ने अपराधियों ने दो लोगों पे तबाहतोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा जो है घायल है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो है जमीनी विवाद का है, जमीनी विवाद की बताई जा रही है। लेकिन इस तरह से जो है बिहार से लगातार खबरें आ रही है, अपराधी जिस तरह से अपना तांडव जारी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो पूरा मामला जो है गया का है, जैसे कि आप साफ तौर पर मेरे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो घायल है हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला जो है गया के है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर के एक घटना हुई थी और जिसमें अपराधियों ने एक गोली मार दी और जिसके बाद से एक घायल हुआ, एक की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है गया के बताई जा रही है। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उनकी भाई को और उन्हें गोली लगी है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है गया की बताई जा रही है, जो गया के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित फारूकगंज मोहल्ले में बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आजमी बारी के भाई फहमी बारी को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उनके साथ एक शख्स और जख्मी है। बताया जा रहा है कि घायल जुमा की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार अपराधियों ने तबाहतोड़ फायरिंग कर दी। तो आपको बता दें पूरा जो मामला है गया के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित फारूकगंज मोहल्ले का है, जहां पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आजमी बारी के भाई फहमी बारी को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उनके साथ एक शख्स और जख्मी है। बताया जा रहा है कि घायल जुमा की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार अपराधियों ने तबाहतोड़ फायरिंग की। घायल फहमी बारी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर संजय यादव ने अपने करीब 15 साथियों के साथ उन पर जानलेवा हमला किया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गया से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ मामला बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को जोड़कर देखा जा रहा है कि इसमें जो है अपराधी गोली मार दिए हैं, क्या इसमें अभी तक पुलिस किसी की गिरफ्तारी की है? सर, ये हम आपको बता दें कि अपराधियों का मनोबल इतना एक बुलंद हो चुका है, खास करके जमीन माफियाओं का जो नेटवर्किंग इतनी मजबूत है गया जिला में, जिस पर प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है। और प्रशासन इसलिए कमजोर दिख रही है कि भू माफियाओं पर लगाम नहीं लग रही है, और जिसका नतीजा यह है कि दिन दहाड़े कांग्रेस नेता पर गोली चली। इसमें कई और अन्य लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इसके पूर्व में भी कई इस तरह के घटनाओं का अंजाम दिया गया है, लेकिन उस पर भी अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण इन माफियाओं का मनोबल हमेशा बढ़ता दिख रहा है। राजेश जी, पुलिस प्रशासन से क्या आपकी बातचीत हुई है, उनका आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हो? जी, उनका ये सिर्फ कार्रवाई के लिए तो हमेशा ये कहते रहे हैं, और आज भी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी है जिनको चिन्हित किया गया है और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर ली जाएगी, लेकिन ये कितना सुनिश्चित हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक फिलहाल किसी की गिरफ्तारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। राजेश जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि जो है गया के पूरा मामला है, जहां पे जमीनी विवाद को लेकर के कुछ बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी।